नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। बीते हुए साल को भूल जाएं, आने वाले साल को गले लगाएं। करते हैं हम प्रार्थना ईश्वर से, इस साल आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। आप सभी दर्शकों को, सहयोगकर्ताओं को, जिले वासियों को फर्स्ट ट्रैक टीम की तरफ से नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह साल आपके जीवन में खुशियों से भरा हो और आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। धन्यवाद। खेतों में टाइगर के मूवमेंट से ग्रामीण भयभीत और चिंतित। बाड़ी के रामसागर बांध किनारे स्थित नादरोली और चपटापुरा गांव के ग्रामीण आसपास के क्षेत्र में टाइगर की मूवमेंट से भयभीत है। ग्रामीणों का कहना है कि टाइगर की हलचल एक दो दिन से उनके खेतों के आसपास बनी हुई है, जिसमें एक ग्रामीण का तो टाइगर से आमना सामना भी हो चुका है, जिसने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं अब पग मार्क के आधार पर ग्रामीण अपने स्तर पर ही टाइगर को खोजने में जुट गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने 181 पर मामले की जानकारी दो बार प्रशासन को भेजी है, लेकिन ना तो प्रशासन से कोई आदमी पहुंचा है और ना ही वन विभाग की टीम टाइगर की खोज में गांव आई है। ऐसे में ग्रामीण रात्रि के अंधेरे में जहां घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, वहीं खेतों की रखवाली को लेकर चिंतित हैं। ग्रामीण रामलाल पुत्र रामफल मीणा ने बताया कि शुक्रवार की सुबह जब वह खेतों की ओर जा रहा था, तो रामसागर की ओर से जाने वाले नाले में से गुजरने के दौरान अचानक से उसने फुर्ती दिखाकर अपने आप को बचाते हुए चिल्लाना शुरू किया और भाग निकला। बाद में जब ग्रामीणों को लेकर वह मौके पर पहुंचा तो टाइगर नहीं दिखा, लेकिन उसके पग मार्क जरूर पूरे नाले में और खेतों के आसपास बने हुए हैं। वहीं अन्य ग्रामीणों का कहना है कि रात्रि में टाइगर की दहाड़ सुनाई देती है, जिसको लेकर अब वे अपने घरों से रात्रि के समय बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन दिनों खेतों में रखवाली को लेकर है, जिसको लेकर ग्रामीण चिंतित है। पर शेर आया है, कल मेरे को मिला है और सरसों में घुस गया है हमारी में, तो मेरे पेगा तुम दाड़े के पड़ो खाए गए। फिर 181 दो बार सूचना कर दी है, कोई आदमी यहाँ पर आया नहीं। तमो बताओ क्या हुआ? अब बस यही कही की बहुत बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत। धौलपुर से मजदूरी कर शुक्रवार शाम को वापस घर जा रहे एक अधेड़ को सदर थाना धौलपुर क्षेत्र में जाटोली गांव के पास बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया, जिसने ग्वालियर पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार घटना में 45 वर्षीय नवल सिंह पुत्र शिव सिंह निवासी बकायन कापुरा की मौत हुई है। वहीं घटना को लेकर मृतक के पुत्र पवन द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आज शनिवार सुबह जिला अस्पताल धौलपुर में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सुनो, शिव सिंह जाति कुशवा, उम्र 42 साल, निवासी बकायन कापुरा, जो शाम को 6-7 बजे करीब मजदूरी करके अपने घर वापस जा रहा था, तो रास्ते में जाटोली से आगे किसी मोटरसाइकिल वाले ने इसमें टक्कर मार दी, जो ये गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके परिजन सदर अस्पताल लाए, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। हाईटेंशन लाइट की चपेट में आने से बालक की हुई मौत। पेड़ से चारा काटते समय आया करंट की चपेट में। सरमथरा कस्बे में नेशनल हाईवे 11वीं रेलवे क्रॉसिंग के पास शुक्रवार की देर रात हाईटेंशन लाइट की चपेट में आने से एक बालक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक बालक बकरियों के लिए चारा लेने के लिए गया हुआ था, इसी दौरान पेड़ की टहनी काटते समय बालक
के ऊपर से गुजर रही हाइड्रेशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे बालक की दर्दनाक मौत हो गई। सरमथरा थाना के एएसआई जगदीश शर्मा ने बताया कि मृतक बालक मोहसिन खान पुत्र अंसार खान उम्र करीब 15 वर्ष इस्लामपाड़ा सरमथरा का निवासी था, जिसके परिजनों द्वारा शुक्रवार शाम को मोहसिन खान की गुमशुदा की सूचना दी, जिसमें बताया गया कि शुक्रवार शाम को बकरियों के लिए चारा लेने गया बालक लापता हो गया है, जिसको तलाशने पर शुक्रवार रात को ही बालक का शव रेलवे क्रॉसिंग के पास एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला, जो कि बकरियों के लिए चारा काटते समय पेड़ में से होकर गुजर रही हाईटेंशन लाइट की चपेट में आ गया और उसकी गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार देर रात को थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचकर मृतक बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मॉर्चरी में रखवा दिया, जिसका शनिवार सुबह डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस घटना की गहराई से जांच में जुट गई है। घटना के बाद से मृतक बालक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक पेड़ पर, जिस पर हाई टेंशन की लाइट से करंट लगने के कारण वो पेड़ से नीचे गिर गया और मौके पर मृत्यु हो गई थी। धौलपुर विधायक सुवरानी कुशवा पत्नी बीएल कुशवा पूर्व विधायक धौलपुर की ओर से सभी धौलपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2023 और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि ये नव वर्ष आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य और कीर्ति लेकर आए, आप सभी खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2023। साथ ही आप सभी से अपील करती हूं कि सरकार की चिरंजीवी बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाएं। आपकी अपनी शोभारानी कुशवा, विधायक धौलपुर। नमस्कार बंधुओं, 2022 अपने समापन की ओर है और इस साल की खट्टी मीठी यादों और अनुभवों के साथ हम सब 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज इस नववर्ष की बेला पर मैं आप सबको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और अपनी टीम की ओर से नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, हमारे क्षेत्र के लिए खुशहाली लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि 2023 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ये नया वर्ष आपको बहुत सारी सौगातें देके जाए। इसके साथ ही मैं धौलपुर विधानसभा के लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ, जिस तरह राजस्थान के बाकी शहरों में विकास हुआ है, उसी तरह धौलपुर में भी विकास होना चाहिए। अब की बार हमारा धौलपुर परिवर्तन चाह रहा है। आप सबसे मेरी अपील है कि अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखें और धौलपुर में भी परिवर्तन की गंगा बहाएं। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। राम राम सर। मैं अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को, धौलपुर वासियों को और धौलपुर विधानसभा वासियों को नव वर्ष की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से और धोखेबाजों से दूर रखे और आपस में सभी समाजों का भाईचारा बनाए रखे। यही प्रार्थना करता हूँ मैं भगवान से। जय हिंद, जय भारत। समस्त जिलेवासियों को मेरी ओर से आने वाली नव वर्ष 2023 व मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आपका अपना गोरीलाल कुशवा, धौलपुर। राम राम साहब।
नमस्कार, मैं ऋषिकेश सिंह, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत वसई घियाराम, समस्त ग्राम पंचायत वासियों को, राजाखेड़ा वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आने वाला वर्ष 2023 आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही प्रभु से प्रार्थना है। हैप्पी न्यू ईयर 2023। सभी ग्राम पंचायत वासियों से अपील करता हूं कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखें, सरकार की चिरंजीवी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराकर योजनाओं का लाभ लें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, खुले में शौच न जाएं, MBM के तहत शौचालय का लाभ लें। नमस्कार, मैं वर्षा सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत सदापुर, समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रवासियों को व धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आने वाला वर्ष 2023 आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही प्रभु से प्रार्थना है। हैप्पी न्यू ईयर 2023। साथ ही सभी ग्राम पंचायत वासियों से अपील करती हूं कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखें, सरकार की चिरंजीवी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराकर योजनाओं का लाभ लें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, खुले में शौच न जाएं, MBM के तहत शौचालय का लाभ लें। नमस्कार, मैं सुनील बघेल, सरपंच ग्राम पंचायत कोटपुरा, समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रवासियों को व धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष 2023 आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही प्रभु से प्रार्थना है। हैप्पी न्यू ईयर 2023। सभी ग्राम पंचायत वासियों से अपील करता हूं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखें, सरकार की चिरंजीवी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराकर योजनाओं का लाभ लें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, स्कूले में शौच न जाएं, MBM के तहत शौचालय का लाभ लें। नमस्कार, मैं विवेक भास्कर, सरपंच ग्राम पंचायत गनहेंदी, सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रवासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आने वाला वर्ष 2023 आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही प्रभु से प्रार्थना है। हैप्पी न्यू ईयर 2023। सभी ग्राम पंचायत वासियों से अपील करता हूं कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखें, सरकार की चिरंजीवी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराकर योजनाओं का लाभ लें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, खुले में शौच न जाएं, MBM के तहत शौचालय का लाभ लें। मैं श्रीकांत शर्मा, श्री कृष्ण एजुकेशन के निदेशक, समस्त धौलपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को एवं छात्र छात्राओं को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी छात्र छात्राएं अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें, जिससे जिले का रोशन हो, श्री कृष्ण एजुकेशन का नाम हो। इसी के साथ ही पुनः छात्र छात्राओं को, प्रदेशवासियों को, धौलपुर वासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं पिंकी अग्रवाल, श्री कृष्णा एजुकेशन से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं लघु शर्मा, श्री कृष्णा एजुकेशन की ओर से समस्त धौलपुर वासी एवं प्रदेशवासियों तथा देशवासियों तथा विशेषकर छात्र छात्राओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कैथरी सरपंच अजयकंद शर्मा उर्फ लाला बोहरे, बोहरे शिव कुमार शर्मा, देवेश शर्मा, राजेश शर्मा, राम प्रकाश शर्मा की ओर से सभी कैथरी ग्राम पंचायत वासियों को, सैपो क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये नव वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, यह साल आपके लिए मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2023। सखवारा सरपंच मुकेश रावत की ओर से सभी सखवारा ग्राम पंचायत क्षेत्रवासियों को, सैपऊ क्षेत्रवासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष 2023 तथा मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये नव वर्ष आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को
हैप्पी न्यू ईयर 2023। ग्राम पंचायत नौराहा के सरपंच प्रतिनिधि गोल्डी शर्मा की ओर से सभी नौराहा ग्राम पंचायत वासियों को, बाड़ी क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। नव वर्ष 2023 पर आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशहाली और ढेर सारी धन संपदा लेकर आए। आप स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। ग्राम पंचायत कुकरा माकरा के सरपंच के शर्मा उर्फ कृष्णकांत शर्मा की ओर से सभी कुकरा माकरा ग्राम पंचायत वासियों को, बाड़ी क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नव वर्ष 2023 पर आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशहाली और ढेर सारी धन संपदा लेकर आए। आप स्वस्थ रहें और निरोगी रहें, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। पार्वती नहर परियोजना जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष योगेश तिवारी सेपऊ व ब्रजेश तिवारी राजस्थान पुलिस की ओर से सभी सेपऊ क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष 2023 और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पंचायत समिति सेपऊ के प्रधान प्रत्याशी दीप सिंह कुशवा उर्फ दीपू आरी की ओर से समस्त धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला मंत्री व तिवारी मैरिज होम बी आर गार्डन सेपऊ के ओनर जितेंद्र तिवारी की ओर से सभी सेपऊ क्षेत्र वासियों को, धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नव वर्ष 2023 आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि और वैभव और ऐश्वर्य लेकर आए। आप सभी निरोगी रहें और खुशी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। आपका अपना जितेंद्र तिवारी सेपऊ, युवा नेता भाजपा। राम साहब, आपको और आपके समस्त परिवार को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से, अपने आराध्य देव से प्रार्थना करता हूं कि ये नव वर्ष आपके परिवार में सुख समृद्धि लेके आए। आप अपनों का ख्याल रखें। यही कामनाओं के साथ मैं पूर्ण रूप से आपको फिर दोबारा से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप इस समय कोविड चल रहा है तो आप कृपया करके अपने बच्चों का, अपनों का ख्याल रखें, जिससे कि आगे कोई अनहोनी ना हो। और संपूर्ण जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को, आप सभी को नव वर्ष की पूर्ण शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम राम साहब। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विद्या स्मार्ट स्कूल के निदेशक गौरव शर्मा एवं सचिन शर्मा की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2023 तथा मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह नव वर्ष आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि खुशहाली लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2023। पता: सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैनेजर फार्म NH 123 कुबेरी धौलपुर, क्लास प्ले से 12वीं तक, तथा विद्या स्मार्ट स्कूल शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 धौलपुर, क्लास प्ले ग्रुप से 3rd तक। समाज सेवी हाकिम सिंह त्यागी की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को, आगरा जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2023 एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह नव वर्ष आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आपसी भाईचारा प्रेम और सौहार्द लेकर आए। आप सभी खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। आपका अपना हाकिम सिंह त्यागी, संस्थापक SN कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़ा गांव मनिया धौलपुर, वंश हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बड़ा गांव रोड मनिया धौलपुर, DRM कॉलेज बड़ा गांव मनिया धौलपुर। मैं महेश कुमार गोगना, हेरिटेज व्यू होटल और गणेश विक्स फील्ड की तरफ से समस्त धौलपुर वासी के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए अच्छा दिन आए। मैं राजेश शर्मा, होटल हेरिटेज व्यू और गणेश ब्रिक फील्ड की ओर से समस्त जिलेवासियों को नव वर्ष की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर्ष उल्लास और समृद्धि लाए, मेरी यही शुभकामना। पंचायत तसीमों की ओर से सभी जिलेवासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2023 सभी जिलेवासियों का शुभ मंगल निकले, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। राम अवतार फौजी, सरपंच प्रतिनिधि तसीम। पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान सीता देवी कुशवाहा एवं प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा की ओर से सभी पंचायत समिति क्षेत्र धौलपुर वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को नव वर्ष 2023 एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नया साल 2023 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। साथ ही सभी से अपील करते हैं कि सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ लें। कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करें तथा अपने आसपास सफाई रखें। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। कॉलेज में हुई सामूहिक एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता, छात्राओं ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स PG कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6वें दिन का शुभारंभ प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास से किया गया। संभागीय छात्राओं के द्वारा सामूहिक समूह एवं एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के द्वारा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मदर टेरेसा ग्रुप व द्वितीय स्थान दुर्गा बाई ग्रुप ने प्राप्त किया, जिसके निर्णायक डॉक्टर आकांक्षा सिंह, मजिस्ट्रेट नेहा सिंह राठौर एवं उद्योगपति शुभम भदौरिया इंदौर रहे। डॉक्टर आकांक्षा सिंह ने संभागीय छात्रों को बताया कि जब आप नृत्य करते हैं तो आपको बेहतर हृदय स्वास्थ्य, मजबूत मांसपेशियां, बेहतर संतुलन और समन्वय, मजबूत हड्डियां, मनोभ्रंश का कम जोखिम, याददाश्त में सुधार, तनाव कम होना, ज्यादा ऊर्जा और सुधरी हुई मनोदशा जैसे कई शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य मिलते हैं। शिविर के द्वितीय सत्र में बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता नेहा सिंह राठौर रही। उन्होंने छात्राओं को बताया कि भारत में नगरों की तुलना में गांव में स्त्री साक्षरता बहुत कम है। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की तो शिक्षा और भी कम है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं। स्त्री शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। अब महिलाएं अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी हुनर के लिए ट्रेनिंग ले सकती हैं। मंच का संचालन NSS प्रभारी विजय भारद्वाज के द्वारा किया गया। विषाक्त फल खाने से एक दर्जन बच्चे व बड़े बीमार। बिहड़ों से तोड़कर लाए थे अनजान फल।
धौलपुर शहर के सागरपाड़ा क्षेत्र में शुक्रवार शाम को जंगल से तोड़कर लाए अनजान फल को खाने से करीब एक दर्जन बच्चे और उनके परिजन बीमार हो गए। सभी को उल्टी, दस्त व पेट में दर्द होने की शिकायत पर जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है। अस्पताल में भर्ती सागरपाड़ा निवासी घनश्याम ने बताया कि मोहल्ले के बच्चे पास ही स्थित चंबल नदी के बिहड़ों में खेलने चले जाते हैं। शुक्रवार शाम को बच्चों को वहां झाड़ियों में एक फल दिखा। कुछ बच्चों ने उसे तोड़कर खाया तो मूंगफली जैसा स्वाद लगा। इस पर वहां सभी बच्चों ने वह फल खा लिया। कुछ बच्चे फल को तोड़कर घर भी ले आए और परिजनों को खिला दिया। थोड़ी ही देर में फल खाने वाले बच्चों और बड़ों को पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद सभी को उल्टी और दस्त होने लगे। इस पर मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। बच्चों को लेकर लोग जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां सभी बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। ये बच्चे व बड़े हुए बीमार। विषाक्त फल खाने से मोहल्ले के धीरेन्द्र, जतिन, संजना, पुष्पेंद्र, मुकेश, माधुरी, लवकुश, आयुष, संध्या और काना तथा युवक घनश्याम व इंद्रजीत बीमार हो गए। सभी का जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज जारी है। क्या हुआ? अच्छा, जंगल की तरफ गए, कछु घायल हो गए, अंडी जैसे फल हो क्या तभी सर खाए गए? बस बात ये गर्मी सी है गई है और मतलब बेचैनी सी है रही है, मतलब पलटी है गई है, दस्त से लग दस्त लग गए हैं। कितने बच्चे भर्ती हैं कभी हॉस्पिटल में? होंगे 10-12 बच्चा। ये जंगल में गए थे बच्चे, तो वहाँ से कुछ फल लेकर आए थे, तो अपने घर वालों को खिला दिए और खुद भी खा लिए। तो कुछ बच्चे तो जहाँ पे हैं और 8-10 बच्चे उधर हैं दूसरे वाले में, तो ऐसे पलटी आ रही हैं और घबराहट महसूस हो रही है, दस्त हो गए हैं, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, मतलब बहुत सारी वो हो रही प्रॉब्लम। विधायक रोहित बोहरा ने किया होटल इंपीरियल का फीता काटकर शुभारंभ। धौलपुर की पर्यटन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धौलपुर शहर के सेपो रोड पर शुक्रवार शाम को सभी सुविधाओं से सुसज्जित रेस्टोरेंट और होटल इंपीरियल का राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में विधायक बोहरा ने कहा कि होटल इंपीरियल धौलपुर की होटल और पर्यटन इंडस्ट्रीज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। होटल के डायरेक्टर मुकेश त्यागी और मोहन त्यागी ने बताया कि धौलपुर में पर्यटकों और आगंतुकों को उच्च स्तरीय सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होटल इंपीरियल शुरू किया गया है। होटल में आधुनिक रूम्स के साथ 200 लोगों की क्षमता का एक बैंकेट हॉल, एक शानदार रेस्टोरेंट भी शुरू किया गया है। उद्घाटन समारोह में कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, समाज सेवी गिरीश गर्ग, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष मुन्नालाल त्यागी सहित बड़ी संख्या में धौलपुर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोरोना को लेकर चिकित्सा अधिकारी एवं पीएससी इंचार्ज की बैठक आयोजित। पंचायत समिति बाड़ी के वीसी रूम में डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जयपुर के द्वारा वीसी के माध्यम से बाड़ी ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी और सभी पीएससी इंचार्ज के साथ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोविड को लेकर हर स्तर पर विभिन्न प्रकार की तैयारियों पर चर्चा की गई, साथ में सावधान रहने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान डायरेक्टर ऑफ हेल्थ के अधिकारियों ने ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारियों को हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हर सेक्टर और पीएससी पर मुमकिन बनाने के भी निर्देश दिए हैं। बाड़ी ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा ने बताया कि यह महत्वपूर्ण बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई, जिसमें बाड़ी ब्लॉक के 40 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ सभी पीएससी के प्रभारी मेडिकल ऑफिसर एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा। इस बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर चल रहे प्रोग्रामों की जानकारी के साथ कोविड को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और हर व्यवस्था को सेक्टर लेवल पर संभव बनाने का था, जिससे यदि बीमारी ग्रामीण क्षेत्र में पहले
हो तो उसे वहीं पर कंट्रोल किया जा सके। साथ में बीमारी के समय ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को शहरी क्षेत्र तक नहीं लाना पड़े। ऐसे में सभी पीएचसी पर व्यवस्थाओं को मुमकिन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक बनाने और कोविड का मुकाबला कैसे करें इसकी जानकारी लोगों को देने के निर्देश दिए। आज की मीटिंग प्रशासन के द्वारा जयपुर से डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ के द्वारा रखी गई थी, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित रखरखाव एवं कोविड से संबंधित अपने को किस तरह से एक्टिव रहना है और किस तरह से लोगों को जागरूक करना है। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ सिंपोलो बर्मोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी, नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिंपोलो व बर्मोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपए तक की 5 सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान धौलपुर में दिया गया प्रशिक्षण। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान धौलपुर में गोकाई कराटे डो एसोसिएशन दिल्ली की प्रशिक्षक शांतनु मंडल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ने कांता कुमिते और CI रूल्स के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण लगभग 100 छात्र छात्राओं ने प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग एवं संस्थान के मुख्य प्रशिक्षक मार्ता प्रसाद टाइगर शांतनु मंडल का स्वागत किया। मार्शल आर्ट खेल के साथ साथ आत्मरक्षा का विकल्प है। इससे मन, बुद्धि और सभी को कंट्रोल किया जाता है। कराटे सीखने से बच्चों में एकाग्रता, भाईचारा एवं टीम भावना और राष्ट्रीयता जागृत होती है। आज के इस युग में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्रत्येक बालक बालिकाओं को आवश्यक रूप से लेना चाहिए। टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान में कई वर्षों से मार्शल आर्ट का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है तथा स्कूल टूर्नामेंट और इंटर कॉलेज एवं इंटर यूनिवर्सिटी में भाग लेकर धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर संस्थान के कोषाध्यक्ष देवी प्रसाद, सीनियर खिलाड़ी विकास भगेला, मनु शर्मा, विनेश शर्मा, भावना कश्यप, साहिल शर्मा, नीलम भगेला, अंशु कुशवाहा आदि खिलाड़ी उपस्थित रहे। शैक्षिक शोधों से अध्ययन अध्यापन में आने वाले परिवर्तनों पर कार्यशाला में हुई चर्चा। शोध प्रतिवेदन लेखन की डर्फ स्तरीय कार्यशाला का समापन समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में हुआ। जिले के नवाचारी शिक्षकों द्वारा डाइट धौलपुर की ओर से जिले की शैक्षिक समस्याओं पर इस वर्ष किए गए शैक्षिक सर्वे शोध, क्रियात्मक शोध एवं केस स्टडी की कार्यशाला में परिचर्चा हुई। समापन कार्यक्रम में महेश कुमार मंगल डाइट प्राचार्य मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार रहे। शोध प्रतिवेदन की प्रस्तुति डिजिटल क्लासरूम में की गई। डर्फ स्तरीय शोध में 5 सर्वे शोध संभागियों ने प्रस्तुत किए, जिनमें आवश्यक संसाधनों पर आपस में चर्चा की गई। अतुल चौहान ने अपनी केस स्टडी को प्रस्तुत किया। शोधार्थी जय सिंह सिकरवार ने भी अपनी केस स्टडी को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में हरिओम सिंह सिकरवार प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल, उमेश शर्मा प्रधानाचार्य ने भी सो संबंधित अपने अनुभव साझा किए।
सेवा के बाद अपना घर से अपने घर गए बिहार के विजय। भरतपुर जिले के गांव खान सुरजापुर रूपबास से 9 नवंबर 2022 को रात्रि के समय विजय साहब प्रभु जी को अपना घर बाड़ी की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया, जो पिछले कई दिनों से भूख प्यास से बेहाल असहाय लावारिस बीमारी स्थिति में सड़क पर घूम रहे थे। उस समय इनकी हालत बहुत ही दर्दनीय और दयनीय थी। जब आश्रम में सेवादारों के द्वारा इनका उपचार किया गया तो इनकी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। इसके बाद इन्होंने अपना नाम एवं पता बताया। आश्रम की ओर से बिहार पुलिस को सूचना देकर इनके घर परिवार वालों से संपर्क किया गया, जिस पर इनके भाई दिनेश शाह निवासी प्रेम नगर सीतामढ़ी बिहार अपने भाई विजय शाह को लेने अपना घर आश्रम बाड़ी पहुंचे और सम्मान पूर्वक आश्रम पदाधिकारी एवं सेवा साथियों ने अपने घर बिहार के लिए विदा किया। इस अवसर पर आश्रम के वित्त सचिव विनोद गोयल, राजकुमार गर्ग, आश्रम प्रभारी मनीष गर्ग, नितेश प्रजापति, भगवान दास, राकेश आदि सेवा साथी मौजूद रहे। विजय जी सर, अपने भाई को पहचानते हो? हाँ जी। क्या नाम है इनका? विनय। कौन लगते हैं आपके भाई? लग विनय भाई, ये बताइए कि आपके भाई कैसे निकल गए थे घर से? सर, घर से अचानक, मतलब इनका हाँ, कोई ठीक नहीं रहता था। हाँ सर, इसी इसका तरह, दिमाग इसका इसी तरह चले दिमाग है। इसका कई बार ठीक नहीं रहता था। दिमाग में कितने महीने हो गए इनको घर से निकले? 6-7 महीने हो गए सर इसको घर से। तो 6-7 गंगाबाई के बगीचे में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का समापन। श्री राघवेंद्र सरकार व श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का समापन प्राचीन व ऐतिहासिक गंगाबाई बगीचे मंदिर प्रांगण धौलपुर में हुआ। इस आयोजन में धौलपुर संत मंडल का पूर्ण संयोग व संरक्षण रहा। व्यवस्थापक के रूप में प्रमुख रूप से महंत केशव दास जी महाराज, महंत हनुमान दास जी महाराज रहे, जबकि परीक्षित रामकिशन जी महाराज व रघुवर दास जी महाराज बने। प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर गंगाबाई की बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज के सानिध्य में कथावाचक रमा देवी की व्यासपीठ एवं सभी मंचासीन संत महंत व ब्राह्मणों का स्वागत किया गया। इस दौरान महंत रामदास, महंत जानकी दास, महंत बालक दास, नागा बाबा सियाराम दास, नागा जयराम दास, नागा शंकर दास सहित भारत तिब्बत संघ प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा आदि ने भी व्यास पीठ का स्वागत किया। सुमन को सचिव व रामवीर को बनाया शहर उपाध्यक्ष। भारतीय कांग्रेस आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख केसर कांग्रेस व प्रदेश अध्यक्ष गोकुल प्रसाद वर्मा के निर्देशन पर धौलपुर जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने सुमन को सचिव व रामवीर को धौलपुर शहर उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है, जिस पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर स्वागत किया, साथ ही नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट स्ट्राइक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।